हेलो एवरीवन। बेटा देखो, अपन ने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व करेंगे, जिनमें बेटा मैं फर्स्ट जो न्यूमेरिकल ले रहा हूँ उसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले भी बता रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आप बेटा न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूर आदत डालें। हम 11th में भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका, टू स्मॉल चार्ज डिस्पेयर्स आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस। इसने कहा जो गिवन दे रखा है वो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो गिवन है यहाँ पे। इन्होंने कहा टू यानी दो दे रखे हैं आपको, स्मॉल चार्ज डिस्पेयर आर सेपरेटेड, स्मॉल चार्ज डिस्पेयर है सेपरेटेड है बाई ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन एयर। कितनी डिस्टेंस पर? 30 सेंटीमीटर पर एयर के अंदर। हु चार्ज डार, ये इन दोनों का चार्ज दे रखा है। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको गिवन क्या क्या दे रखा है बेटा। Q1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ कूलाम आपको चार्ज दे रखा है बेटा। इनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, जिसे हम लिखेंगे 30 × 10⁻²⁰ मीटर आपको दे रखी है। ये वैक्यूम में आपको दे रखे हैं, वैक्यूम के अंदर ये रखे हुए हैं दो चार्ज। आप क्या करोगे यहाँ पे, इनके बीच का क्या निकालना है आपको? फोर्स निकालना है। कैलकुलेटेड क्या करना है आपको? फोर्स निकालना है। ये सारी चीज़ें गिवन थी, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे को एक चार्ज स्पेयर यहाँ दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है, बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर है। हम ये बात जानते हैं कि सॉल्यूशन में मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बीच में मेरे को फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? 1/4πε0 Q1 Q2/r² बेटा हमें ये बात पता है, हेयर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 9 × 10⁹। Q1 की जगह लिखेंगे 2 × 10⁻⁷, Q2 3 × 10⁻⁷ अपॉन आर। आर की जगह हम कितना लिखेंगे? 30 सेंटीमीटर। बेटा 30 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो 30 × 10⁻²² तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 18 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 54। अब आपके पड़ गए यहाँ पे 7 और 7 − 14 पावर सोल्व करते हैं तो ऐड कर देते हैं, तो 10⁻⁴ और 9, ये 14 में से 9 गए तो 10⁻⁵। नीचे क्या बचा हुआ है बेटा आपके पास? नीचे देखिए आप क्या बचा हुआ है आपके पास यहाँ पे, 30 का स्क्वायर तो 900 हो गया बेटा। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो गया × 10⁻⁴। अब ये हमारा कटता है तो हम इसे काट देंगे, जैसे मैं 9 से काट दूं तो 100, ये आ जाएगा आपका 6, और भी कटता है तो बेटा ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है बेटा, अब आप बताओ कितना आ गया आपके पास? 3 × 10⁻⁴ ऊपर गया तो × 10⁻⁹/50 फोर्स की वैल्यू। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से। तो हमने क्या किया यहाँ से, ये जो हमारे पास वैल्यू थी 3/50 और 10⁻⁹ को मैंने लिख दिया 0.3/50, ये हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरीके से। और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, जैसे मैं यहाँ देखो क्या कर रहा हूँ, 0.18 तो 3, यह मान लो मैं पॉइंट नहीं लगा रहा वहाँ पे, ये समझो आप इसको इजीली सोल्व कर लेते हैं। 3 का डिवाइड 50 में नहीं जाएगा, क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ? 10 लगाऊंगा 10⁻², 20 लगाऊंगा 10⁻³। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अपॉन कितना आ गया 50, 0 से कट गया ये आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये आप समझे मैंने क्या किया, 10⁻ जितनी बढ़ा रहा हूँ उतनी मैं 0 लगा सकता हूँ। −1 थी, −2 थी, −3 कर दिया तो यहाँ पे 2 लगा दी, −1 पहले से थी। तो आपका जो फाइनल आंसर है बेटा कितना आ जाएगा, 6 × 10⁻³ हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो बेटा सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे अब, तो बेटा देखेंगे अब अपन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं, टू आइडेंटिकल स्फीयर मेटेलिक स्फीयर्स आर चार्ज्ड विद, ये विद प्लस 10 माइक्रोकुलम एंड माइनस 10 माइक्रोकुलम, यहाँ आपको दे रखा है प्लस 10 माइक्रोकुलम माइनस 20 माइक्रोकुलम, इफ दे आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट आर अगेन प्लस दैट सेम डिस्टेंस व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो क्या होगा। बेटा एक मैं थोड़ी सी चीज छोड़ दिया, मैं आपको ये फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं, किसी भी चैप्टर का अगर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना बेटा, तो सबसे पहले हमारा क्या तरीका बनता है कि हम उस चैप्टर के जितने भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं उन सारे फॉर्मूलेज को हम क्या कर लें, वहाँ पे याद कर लें। जैसे मैंने लिखे इसमें ये क्वांटिनाइजेशन का फॉर्मूला बेटा, ये फोर्स लगता है दो चार्जों के बीच वैक्यूम में, ये फोर्स लगता है दो चार्जों के बीच मीडियम में, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्साइन आर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, डायपोल मोमेंट है बेटा, डायपोल मोमेंट के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉर्क का फॉर्मूला है और ये मीडियम की परमिटिविटी और डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए। अब जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो करने का तरीका है कि सबसे पहले हम गिवन चीज लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कौन सी चीज हमें कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट करने वाली चीज के हम यहाँ पे फॉर्मूले देखेंगे। सपोज यहाँ फोर्स के ही कितने फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, तीन, तो अब यहाँ फोर्स निकालना है तो कौन सा लगाएं, तो सबसे पहले हम देखेंगे वैक्यूम में दो चार्ज दे रखे हैं तो ये लगाएं, मीडियम में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ दो चार्ज दे रखे हैं तो ये लगाएं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दे रखा है तो ये लगाएं। ऐसे हम अलग अलग सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक बात है, अगर आपने ये सीख लिया क्या पूछा है, क्या दे रखा है, और जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, तो हम बहुत इजी वे में ये काम आगे कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए अब देखो, जो आपको क्वेश्चन दे रखा था उसका सॉल्यूशन मैं आपको सिखा रहा हूं। इसने कहा दो स्फीयर्स हैं, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे बिफोर सेपरेटिंग, मैं ये जो चीज लिख रहा हूं वो ध्यान दें अपन, बिफोर सेपरेटिंग यानी जब मैंने उनको सेपरेट किया उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, बिफोर सेपरेशन या सेपरेटिंग, सेपरेशन भी लिख सकता है, यानी सॉरी सेपरेटिंग नहीं, ये आपका आएगा बिफोर कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट से पहले, थोड़ी सी गलती हो गई थी, आप ध्यान दें, बिफोर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से पहले। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये चार्ज लिया, आप समझें इस बात को, मैंने ये चार्ज लिया, इस चार्ज को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ बेटा Q1, आपको जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हमने ये चार्ज लिया है, एक ऑब्जेक्ट लिया, स्फीयर लिया, इसके पास Q1 चार्ज है और Q1 चार्ज है प्लस 10 माइक्रोकूलम, इससे सपोज दैट बेटा r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2 और बेटा वो दे रखा है माइनस 20 माइक्रोकूलम, एक Q1 स्फीयर है और एक Q2 स्फीयर है, ये प्लस 10 माइक्रोकूलम है, ये माइनस 20 माइक्रोकूलम है, समझ लें आप इनको, माइक्रोकूलम को मैं 10 इंटू माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करूंगा तो 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और Q2 बराबर माइनस 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अब ये इस डिस्टेंस पर रखे हैं तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ देखना आप समझना, सो फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में फोर्स, फॉर्मूला लगाओ 1/4πε0 Q1 Q2/r2। अब हमने पढ़ लिया 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 10×10⁻⁶ एंड Q2 की वैल्यू −20×10⁻⁶ √r² नहीं दे रखा, तो f की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया 90, 90 को यहाँ से किया तो −180, एक मिनट, 9 को 10 से किया तो ये हो गया आपके पास 90, और 90 को 2 से किया तो माइनस, ये आपके पास आ गया 9 में से 6 और 6 12, समझो आप 6 और 6 12 में से 9 गए तो माइनस का 30/r² न्यूटन। अब हमने क्या किया इसके बाद देखेंगे, है ना, हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कॉन्टैक्ट में ले आए, दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए, हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों स्फीयर्स को ऐसे,
तो प्रोसेस बाय कॉन्टैक्ट समझाया था मैंने चार्जिंग की, ये Q1 रखता था, ये Q2 रखता था। अब जो क्यू नेट आया वो दोनों का सम आएगा, Q1 प्लस Q2। Q1 कितना था? प्लस 10, और ये कितना था? माइनस 20। तो माइनस 10 माइक्रो कूलम क्यू नेट आ गया कॉन्टैक्ट में। अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर सेपरेशन, यानी कॉन्टैक्ट में लाने के बाद अलग अलग कर दिया, और वो ही कितने डिस्टेंस पर ले गए हम बेटा? आर डिस्टेंस पर ले गए। तो इसका चार्ज क्यू डैश हो गया और इसका चार्ज क्यू टू डैश हो गया, और हमें पता है ये क्यू नेट का हाफ होगा और ये भी क्यू नेट का हाफ होगा। मैंने मर्जी से नहीं लिखा, मैंने चार्जिंग इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको समझाई थी कि आप जब दोनों को मिलाओगे तो टोटल नेट चार्ज ऐड हो जाएगा, और अलग अलग करोगे तो जो नेट चार्ज था उसका दोनों पर हाफ हाफ आ जाएगा। इस तरीके से मैं देखूं तो Q1 डैश मेरे पास -10 अपॉन 2 इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम, और Q2 डैश इज इक्वल टू वही -5 माइक्रो कूलम, सेम नेचर हो गए। तो यहां फोर्स कितना आया? F डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन r स्क्वायर। ये बेटा 9 * 10 की पावर 9 होता है, लिखा था Q1 डैश -5 * 10 की पावर -6, क्योंकि ये SI सिस्टम में है तो ये किस में लेना पड़ेगा? SI में। तो माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज किया तो 10 की पावर -6 इनटू इसको क्या लिखेंगे? -5 * 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। आप देखो एफ डैश निकालो, 9 हमारे पास यहाँ है, 9 इंटू 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 25 हो गया, और 9 में से 6 और 6 है तो ये वही आपके पास 12, और 9 गए तो 10 की पावर -3 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 225 * 10 की पावर -3 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। बोथ कंडीशन में मैंने फोर्स निकाल लिया, पहले अलग अलग रखे थे तो फोर्स इतना आया, फिर मिला दिया और सेपरेट किया उतनी डिस्टेंस पर तो फोर्स इतना आया। क्वेश्चन था आप फोर्स का रेशियो बताओ, तो मैं यहाँ से फिर से आपका ये रफ कर रहा हूँ और आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देन रेशियो हमने लिखा, देन रेशियो हमें रेशियो निकालना है, तो हमें रेशियो निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? F अपॉन F डैश। F कितना है? -1800 * 10 की पावर -3 अपॉन R क्यूब, बटे कितना आ रहा है? 225 * 10 की पावर -3 अपॉन R क्यूब। मैंने इसे लिखा -1800 * 10 की पावर -3 अपॉन R क्यूब * R क्यूब अपॉन 225 * 10 की पावर -3। बेटा डिवाइड की मल्टीप्लाई में जाके उल्टा हो जाएगा, ये कट गया बेटा, 10 की पावर -3 कट गया, आपके पास आ गया -1800 * 225। मैं इसको काटता हूँ नेगेटिव, 25 से काटता हूँ, 25 से काटता हूँ, ये आपके पास 25 से आप काटोगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा इतना 72, और यहाँ आ जाएगा 9, फिर ये 9 से कट रहा है तो आ जाएगा -8/1। सो रेशियो आ गया एफ रेशियो एफ डैश इज इक्वल टू -8/1, दैट इज क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके और भी है, आप ध्यान देंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आपके और भी है जिसमें कॉन्टैक्ट में लाएंगे फिर सेपरेट करेंगे तो चार्ज किस प्रकार से डिवाइड होगा, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लेंगे इसी बेस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कॉन्टैक्ट में लाओ, कॉन्टैक्ट में लाओगे सॉरी पहले अलग रखो फिर कॉन्टैक्ट में लाओ और फिर अलग करो तो चार्ज को नेट चार्ज का आधा हो जाएगा और ये आपका रेशियो निकल जाएगा। इस टाइप से बेटा आप अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड अब अपन देखेंगे, आपको गिवन है द वर्टिक्स ए एंड बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, आप समझे, मेरे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे ये दे रखा है, इसके वर्टिक्स आपको दे रखे हैं ए बी सी, और कह रहा है ए बी द ऑफ क्या कहा है, देखो इसने द वर्टिक्स ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए हैव सेम चार्ज। तो मैं इसको थोड़े वर्टिक्स यू मान लेता हूँ, इजी रहेगा समझने के लिए। ए बी ये पॉइंट सी है, इसकी साइड ए है और इक्विलेटरल है तो हर साइड इक्वल होगी और हर एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। सेम चार्ज रख रहे हैं ए और बी, या भी चार्ज क्यू है और या भी चार्ज क्यू है, तो पॉइंट सी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। अब हम ये जानते हैं सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे बेटा आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी
एट पॉइंट सी ड्यू टू पॉइंट ए, ड्यू टू पॉइंट ए, ए पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर, सी पर। तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, हाला ए पर चार्ज कितना है क्यू और डिस्टेंस कितनी है ऐसे अपॉन ए स्क्वायर। ई वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ए से नाम दे देता हूँ ई ए, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको मैंने ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया, ये सी पॉइंट था। तो यहाँ से हमने लिखा इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो ए से किधर जा रहा है सी, तो ए सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू पॉइंट बी, पॉइंट बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इस तरफ है बी के कारण, देखो पॉजिटिव है तो दूर की तरफ होगा, तो ई बी की वैल्यू कितनी आएगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बी सी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी सी, ये आपका आ जाएगा ई बी। अब हमने क्या देखा कि पॉइंट सी पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ई ए इधर ई बी इधर, और ये एंगल 60 है तो वर्टिकली अपोजिट होने के कारण ये भी कितना हो जाएगा 60। अब दो वेक्टर, एक वेक्टर ये डायरेक्शन में एक वेक्टर ये डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट हमें पता है बीच में होता है, और वो किससे निकाला जाएगा एंगल ये थीटा था ना, तो यहाँ पे अपन ने निकाला हुआ है इनका रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला लगाया था अपन ने पहले भी, तो उसी के अकॉर्डिंग सो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी मैं किससे नोट कर दूंगा ई से, इज इक्वल टू रूट क्या लिखोगे बताओ ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस टू ई ए ई बी कोस थीटा, तो ये वैल्यू लगाएंगे तो अंडर रूट में क्या लिखा जाएगा ई ए, ई ए सबसे पहले ये है तो मैंने क्या लिखा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए बी प्लस टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो ये आ गया ई बी और कोस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 60। अब हमने देखा ये चीज़ दोनों में कॉमन है और यहाँ मल्टीप्लाई हो क्यों होल स्क्वायर हो रहा है तो तीनों में कॉमन है, मैंने लिखा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ बच गया वन यहाँ बच गया वन यहाँ बच गया टू, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कॉमन बाहर गए इंटू कितना बच गया कोस 60, ये हमारे पास बचा हुआ है। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ से इसमें से ये इंटू था रूट बाहर निकाल लिया स्क्वायर हट जाएगा तो बाहर आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया अंडर रूट में क्या बच गया हमारे पास वन और वन कितने हो गए टू प्लस टू इंटू कोस 60 की वैल्यू वन बाई टू ये कट गया तो टू और वन कितने हो गए हम इसको यूँ लिख सकते हैं देखो टू और वन रूट थ्री तो रूट थ्री वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा क्यू अपॉन ए स्क्वायर दैट इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया रूट थ्री इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर जो अकेला आ रहा था उसका कितना ज़्यादा होगा रूट थ्री टाइम्स, ऐसे हम इसको कैलकुलेट करके और फाइनल आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड था और अब हम नंबर क्वेश्चन लेंगे फोर्थ, क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे बेटा फोर नंबर का क्वेश्चन अब अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसमें अपन बेटा क्वेश्चन नंबर फोर चालू करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है टू आइडेंटिकली चार्ज स्पेयर आर हैंग फ्रॉम इक्वल स्ट्रिंग्स, आपको देखो क्या कह रहा है ये एक रिजिड सरफेस है और इसके एक ही पॉइंट से दो आइडेंटिकल चार्ज एक स्ट्रिंग से लटके हुए हैं मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, यहाँ पे एक स्पेयर लटका हुआ है बेटा और यहाँ एक दूसरा स्पेयर लटका हुआ है कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं दोनों ये 30 डिग्री ठीक है, इस स्ट्रिंग की लेंथ सेम है इसकी लेंथ एल है तो इधर भी लेंथ कितनी है एल है, यहाँ जो ये लटका हुआ है इसका जो मास है बेटा यहाँ पे वो मास कितना ले लिया अपन ने एम तो नीचे की तरफ ये वेट फोर्स लगाएगा अपना एम जी, स्पेयर है तो ये भी नीचे की तरफ फोर्स कितना लगाएगा एम जी,
इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स हमें पता है पॉइंट की तरफ होता है, रिजिड बेस की तरफ, तो टेंशन फोर्स टी लग रहा है। हमने क्या देखा, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको दे रखा है, ये यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, वो आप मान सकते हैं कुछ भी है यार। मैंने क्या कहा, यह मान लें आप यहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस मान लें डी। मैंने क्या कहा, यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट है ओ, मैं इसको 2D मान लूँ तो बेटा डी डिस्टेंस ये और डी डिस्टेंस ये, ठीक है। अब आप मेरी बात समझना, यहाँ पे हमने ये तो ले लिया, यहाँ से हमने देखा कि 30 डिग्री है तो आधा एंगल ये इधर, मिड पॉइंट से लिया तो 15 डिग्री और आधा एंगल इधर 15 डिग्री। तो अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाऊँ यूँ तो मैं देखूँगा ये 15 है तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा 15, क्योंकि दोनों पैरलर, ये इनकी तिरछी रे हो गई। इसको ऊपर बढ़ाऊँ तो ये डॉटेड और ये पूरी लाइन पैरलर, ये तिरछी रे हो गई, तो ये 15 है तो ऑब्लिक रे के कारण ये भी कितना 15। अब हम टेंशन फोर्स को डिवाइड करते हैं, हमें पता है जिधर थीटा आता है उधर लगता है टी कोस थीटा, तो टी कोस 15, और दूसरी तरफ क्या लग जाता है ये भी हमें पता है टी साइन 15, साइन 15 जो ये डी था इसकी तरफ। ऐसे बेटा सेम इसमें होगा, हमने क्या देखा, या तो आ जाएगा टी कोस 15 और बेटा इधर क्या आ जाएगा टी साइन 15। हमने डिवाइड कर लिया, दोनों फोर्सों के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, क्यू चार्ज इस पर, क्यू चार्ज इस पर, तो हमने देखा दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास इधर फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर आपने जैसे मान लो ये आप अपनी मर्जी आप डी मानते हो तो आपका ये डी बाई टू और ये डी बाई टू, तो यहाँ पे डी स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको आर मानते हो तो भी कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे आर बाई टू और यहाँ आर बाई टू आ जाएगा, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर आ जाएगा जो डिस्टेंस मानेंगे। अगर 2D मान रहा था तो यहाँ 2D का स्क्वायर आ जाएगा, ये फोर्स लगेगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, दो स्ट्रिंग थी, यहाँ चार्ज क्यों, यहाँ चार्ज क्यों, कितने डिग्री एंगल पर 30। मैंने लाइन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर मानी तो हाफ डिस्टेंस आर बाई टू और आर बाई टू, और बीच के मिड पॉइंट को मिलाया तो 15 एंगल इधर 15 इधर। अब मैं इस लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ, ये वेट फोर्स था, तो बैलेंस करने के लिए मैंने दिखाया ये 15 एंगल है तो ये 15, तो टी कोस 15 इधर आ जाएगा, टी साइन 15 इधर आ जाएगा। दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव टाइप का वो ये लग गया 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्यों आया, Q1 Q2 क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, Q1 की जगह भी Q आएगा, Q2 की जगह भी Q आएगा। सो फ्रॉम डायग्राम, अब देखो बेटा ये एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा टी कोस 15, किसको बैलेंस कर रहा है बेटा MG को, और टी साइन 15, साइन 15 ये रहा, ये किसको बैलेंस कर रहा है बेटा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या किया बेटा, इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट का डिवाइड दे दिया, तो 2 sin 15 upon t cos 15 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा mg, ये mg बटे में आ गया, t से t कट गया, साइन बटे कोस 15 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 15 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg, इक्वेशन नंबर मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे थर्ड। बट अब आगे देखो क्या कह रहा है कि इसी को उठाकर, इस अरेंजमेंट को उठाकर मैं लिक्विड में ले जाता हूँ, है ना, तो लिक्विड में ले जाने पर इन लिक्विड में ले जाने पर इसी इक्वेशन का एंगल उतना ही रहता है 1/4πε0 के साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा, एप्सिलॉन आर क्या हो गया यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ लिक्विड, क्योंकि आप लिक्विड में ले गए तो लिक्विड का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ले लिया, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमें पता है लिक्विड में जाते ही मास चेंज हो जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, तो हमारे पास इक्वेशन कितनी आ गई, यहाँ से फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फोर में थर्ड का डिवाइड देते हैं, तो 10 15 बटे क्या लिखोगे 10 15 1/4πε0 εr क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg डैश, इसके बटे लिखोगे 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर mg। देखो 1/4πε0 कट गया, क्यू से क्यू स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर एम से आर स्क्वायर एम कट गया, क्या बच गया ऊपर, ऊपर 1 अपॉन, नीचे देखो यहाँ बचा हुआ है केवल एप्सिलॉन आर जी डैश बटे, ये पूरा कट गया और यहाँ बचा हुआ है 1 अपॉन जी
10-15 से 10-15 कट गया, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, मैं 1 अपॉन यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर जी डैश बटे 1 अपॉन जी, मैंने देखा 1 अपॉन जी को इधर ले जाऊँ तो 1 अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर जी डैश, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर जी डैश, ये रिलेशन निकल कर आ गया, क्योंकि ऊपर 1-1 है तो इक्वल है तो नीचे वाला डिजिट इक्वल होगी, जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर जी डैश। अब इसमें आपको गिवन क्या क्या था, आपको दो चीज़ें दे रखी थी, डेंसिटी सॉलिड जो स्फीयर है वो आपको दे रखा है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी लिक्विड, डेंसिटी लिक्विड 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दो चीज़ें आपको दे रखी है। यहाँ हम एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे, हम उस फॉर्मूले को याद रखेंगे, फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1-D। मतलब क्या है, ये फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ रहा है कि हमें जी डैश की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो जी डैश की वैल्यू पता होने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। जी डैश क्या है, ये जी डैश एक्सेलरेशन है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इसके लिए अपन ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या जाएगा, 1-D लिक्विड अपॉन डी सॉलिड, ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जी डैश का, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके कोर्स में यह नहीं था, इसको नया फॉर्मूला है, ये अपन यूज करेंगे, और अब मैं इधर से इसको मिटान रहा हूँ। अब देखो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला आ गया तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर कौन सी आई हुई है, 5, देन इक्वेशन 5, देन फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में देखो क्या आया, जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर जी डैश, आपको एप्सिलॉन आर निकालना है तो जी बटे क्या लिखोगे, जी डैश, तो जी अपॉन जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू 1-D, क्या लिखा आपने, लिक्विड अपॉन डी सॉलिड, ये चीज़ लिखी जाएगी, मैंने लिख दी ये चीज़, तो देखो जी से जी कैंसिल, मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन नीचे एलसीएम ले लिया डी सॉलिड, क्या बच गया, 1-D लिक्विड, डी सॉलिड ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा डी सॉलिड अपॉन 1-D सॉरी ये अपन ने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ से ध्यान देंगे दोबारा, जी से जी कट गया 1, यहाँ मैं डी सॉलिड एलसीएम लूँगा तो यह आ जाएगा डी सॉलिड 1-D लिक्विड, कैसे आया, इसके बटे 1 मान के एलसीएम लिया तो ये चीज़ आ गई, डी सॉलिड ऊपर चला जाएगा, डी सॉलिड का मतलब जानते हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन यहाँ क्या लिखा मैंने, डी सॉलिड 1-D लिक्विड, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, मैं इसे थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ से समझाने के लिए, ये देखिए अब आप इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए जो गिवन है, जो आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू डी सॉलिड, डी सॉलिड 1.6 अपॉन डी सॉलिड 1.6 माइनस 0.8 डी लिक्विड आपको दे रखा था, ठीक है, तो आपका कितना आ गया बताओ, 1.6 अपॉन यहाँ से गया तो कितना बच गया, 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2। ऐसे हम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल्स में भी किया था, और आप ध्यान देंगे ये क्वेश्चन अब आपको आगे सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 9 भी एज इट इज सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने ये कराया, फर्क कितना है, जैसे इसमें डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकलवा लिया, इक्वेशन वही 10θ वाली तक बनानी है, उसके बाद में किसी में एंगल पूछ रहा है, किसी में चार्ज पूछ रहा है, तो वहां तक आप अपना खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी के बेस पे ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 वाला क्वेश्चन इससे पहले जो मैंने कराया था ना कॉन्टैक्ट में लाके और फिर अलग करना, तो उस पर बेस है, 5 आप करेंगे। 6 वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लगाकर निकाली थी, ea² eb² + 2ab cos थीटा क्या था ना अभी थर्ड क्वेश्चन, उसका जैसा है, तो 6 क्वेश्चन आप करेंगे। इसके बाद में 9 सेम इसका जैसा है वो आप करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अभी निकाला था एक इलेक्ट्रल ट्रायंगल में, उसका जैसा है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह डायपोल मोमेंट है, वही फॉर्मूला लगेगा, जहां ई आया था उसकी जगह पी डायपोल मोमेंट लिखकर सोल्व कर लेंगे। बीच में क्वेश्चन नंबर 7 बचता है, वो आपको मैं और सोल्व करा रहा हूं, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स Q1 एंड Q2। आप सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे Q चार्ज इसका सॉल्यूशन देखिए आपको क्या दे रखा है, कि ये गिवन है आपको, क्या गिवन है बेटा, Q चार्ज दो टुकड़ों में बटा हुआ है Q1 + Q2,
ऐसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से क्यू टू की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्यू माइनस क्यू वन, और मैं चाहूँ तो क्यू वन की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्यू माइनस क्यू टू। ये सोल्व हो गया। प्लस दैट डिस्टेंस आर, क्या कह रहा है आप देखो, आप यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है क्यू वन और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है क्यू टू, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। वाट वुड बी कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, देन सबसे पहले इनके बीच में फोर्स निकालो, फोर्स निकालोगे तो एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। बताओ ये फोर्स आएगा, मैक्सिमम फोर्स निकालना है अपने को। पहले हम क्यू टू की जगह फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन, क्यू टू की जगह क्यू माइनस क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। एक कंडीशन हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फोर मैक्सिमम फोर्स, फोर मैक्सिमम फोर्स, ये फिर से आपके कोर्स में नहीं है बेटा, फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कंडीशन। डी एफ अपॉन डी क्यू वन, यानी जो फोर्स है उसका चार्ज के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन अगर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे जो फोर्स है वो मैक्सिमम फोर्स होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी अपॉन डी क्यू वन, एफ की जगह वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू माइनस क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हमने देखा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और वन अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि क्यू वन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हमने लिखा डी अपॉन डी क्यू वन किस किस का, क्यू वन क्यू माइनस क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। तो अब ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी, हमने क्या किया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर स्क्वायर डी अपॉन डी क्यू वन, इसको खोला पहले, देखो बेटा आर स्क्वायर तो बाहर ले लिया, बाहर ये एरर हो गई, हमने आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर ले लिया, तो अंदर नहीं लिखना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू क्यू वन माइनस क्यू वन स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। हम इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर स्क्वायर, हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो डी अपॉन डी क्यू वन, या क्या आ जाएगा क्यू क्यू वन माइनस डी अपॉन डी क्यू वन क्यू वन स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन कर दो। अब आप देखो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर स्क्वायर, क्यू तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और क्यू वन का डिफ्रेंसिएशन वन होता है, माइनस यहाँ पे क्यू वन के रेस्पेक्ट में क्यू वन का हो जाएगा टू क्यू वन एस इक्वल टू कितना चलता जा रहा है जीरो, आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो कंडीशन में बराबर क्या चलता जा रहा है जीरो। ये डिजिट यहाँ गई पूरी जीरो के बटे में तो जीरो हो गई, क्या बच गया क्यू माइनस टू क्यू वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या आ गया क्यू इज इक्वल टू टू क्यू वन, ये क्लियर हुआ। और इसके हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू वन इज इक्वल टू क्यू बाई टू, यानी मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्यू वन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए क्यू बाई टू, जो नेट चार्ज था उसका आधा होना चाहिए। अब बताओ आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड से आप वैल्यू निकाल सकते हो, देखो मैं इसे रब करता हूँ यहाँ पे, सामने ध्यान देंगे हम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड Q2 की वैल्यू Q माइनस Q1, Q1 कितना है बताओ Q बाई टू, क्यू में से Q बाई टू गया तो Q2 इज इक्वल टू Q बाई टू, यानी दोनों चार्ज इक्वल हो और दोनों की वैल्यू नेट चार्ज का हाफ हाफ है तो यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ऐसे अपन इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसमें एक नई कंडीशन जो ये इंटीग्रेशन है डिफ्रेंसिएशन की आई, ये हमें ध्यान रखना है बेटा। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लेंगे और बाकी अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।